वैसे विरार की सड़कों पर अतिक्रमण बेहद आम है। इन दिनों लोग सड़कों पर हुए अतिक्रमण से बेहद परेशान हैं। सड़कों पर भारी पैमाने पर हुए अतिक्रमण की वजह से सड़कों पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में मेट्रो सिटी समाचार की खबर और शिकायत का संज्ञान लेते हुए अतिक्रमण विभाग के मुखिया और वसई विरार महानगर पालिका के उपायुक्त अजीत मुठे ने आज कार्रवाई की सर्जिकल स्ट्राइक की। बिना विभागीय अधिकारियों को सूचना दिए अधिकारी अजीत मुठे ने सबसे अधिक अतिक्रमण वाले स्थान अचोले रोड से कार्रवाई की शुरुआत की, जहां उन्होंने अतिक्रमण करने वाले अवैध फेरी वालों की गाड़ियां और स्टैंड इत्यादि चकनाचूर कर दिए। अचानक हुई इस कार्रवाई से अतिक्रमण करने वाले फेरी वालों में भगदड़ मच गई। आमतौर पर इस तरह की कार्रवाई के पहले विभागीय कर्मचारियों द्वारा फेरी वालों को सूचना दे दी जाती थी, जिसे वो मौके से भागकर अपना बचाव कर लेते थे, लेकिन इस बार उन्हें अजीत मुठे ने ऐसा मौका नहीं दिया और चुपचाप पहुंचकर सीधे तोड़क कार्रवाई कर डाली। अतिक्रमण अधिकारी अजीत मुठे ने कार्रवाई अचोले रोड के साथ साथ नाला सुपारा पूर्व के सनशाइन इलाके में भी की, जहां अतिक्रमण कर रहे फेरी वालों की गाड़ियां चकनाचूर कर दी गई। थोड़ी देर के लिए सनशाइन सर्कल में गहमागहमी की स्थिति बन गई। फेरी वाले मनपा अधिकारियों का घेराव कर रहे थे और उन्हें डराने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अजीत मुठे के आगे उनकी एक ना चली और मौके पर ही कई गाड़ियां तोड़कर तबाह कर दी गई। इसके बाद ये दस्ता नाला सुपारा पूर्व स्टेशन परिसर में अतिक्रमण की तलाश करता रहा, लेकिन उसके पहले ही वहां से अतिक्रमण करता 9-2-11 हो चुके थे। बड़ी बात यह है कि नाला सुपारा स्टेशन परिसर हमेशा से अतिक्रमण की भेंट चढ़ता आ रहा है, जिसमें सूत्र बताते हैं कि आरपीएफ जानबूझकर कार्रवाई नहीं करती है, जबकि आरपीएफ अधिकारियों से बात करने पर उनका कहना है कि नाला सुपारा स्टेशन परिसर महानगर पालिका की हद में आता है, इसलिए उनकी कार्रवाई करने का अधिकार उनको नहीं है। इन सब के बीच यात्री और जनता इस अतिक्रमण से निजात चाहती है, इसलिए ऐसी कार्रवाई आने वाले दिनों में होती रहनी चाहिए। फिलहाल इस कार्रवाई के लोगों ने तारीफ की है और अजीत मुठे को धन्यवाद दिया है।